हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत। आज हम बात करेंगे ई क्लर्क्स सर्विस लिमिटेड की, जो एक तरह से आईटी का शेयर है, जिसके अंदर काफ़ी सारी सर्विसेज ये देता हुआ दिखाई देता है, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यह काफ़ी तरह के वैरायटीज़ ऑफ कंपनीज को सर्विस देता हुआ। अगर पिछले 6 महीने के डाटा को इसको देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया तरीके से इस शेयर के अंदर ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है। अगर मैं 5 साल का डाटा लगाता हूँ तो लगभग 986% तक के रिटर्न इस शेयर के अंदर से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि हर साल इसने 200% तक के रिटर्न देते हुए दिखाई दिए हैं। यानी कि एक तरीके से आईटी सॉल्यूशंस के अंदर अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों से काफ़ी बढ़िया ग्रोथ नज़र आ रही है, और वही ये शेयर करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑल टाइम के अगर डाटा को एनालाइज करते हैं तो इसमें 2427% तक के रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से 2020 के बाद इस शेयर के अंदर आग लगती हुई नज़र आ रही है और घोड़े की स्पीड में भागता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि आईटी रिलेटेड ये शेयर एक तरीके से एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करता है। काफ़ी सारे इस समय अगर आप देखेंगे तो आईटी रिलेटेड जो कंपनियां हैं, हर तरह की कंपनीज किस तरह की वाइड रेंज ऑफ सर्विस ये प्रोवाइड करता है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, और ये भी समझेंगे किस हिसाब से इसका जो एवरेज एनुअल जो सेल्स प्लान है वो किस तरह से ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है, और क्वार्टरली बाई क्वार्टरली भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे किस हिसाब से इसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रहा है। आने वाले टाइम में भी जिस हिसाब से फ्यूचरिस्टिक्स अभी जो टाइम नज़र आ रहा है कि किस तरह से 2025 के अंदर भी ये शेयर काफ़ी बढ़िया रिटर्न दिखाएगा, उसका रीज़न यही है कि इस समय अगर आप आईटी से रिलेटेड जितने भी बिजनेस है, यानी कि एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करना, मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी ई कॉमर्स रिलेटेड सर्विसेज हैं वो सारी की सारी देता हुआ दिखाई देता है। यही रीज़न है कि इस समय एंड टू एंड सर्विस से रिलेटेड जितने भी कस्टमर रिलेटेड क्वेरीज हैं वो सारी की सारी ये सॉल्व करता हुआ दिखाई देता है, और जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां उन सबको ये सर्विस दे रहा है। तो यानी कि इसके पूरे के पूरे बिजनेस स्ट्रक्चर को समझेंगे और किस हिसाब से कंपनी काम करती है उसको भी देखेंगे। तो मैं लेकर आ गया हूँ आपको स्क्रीनर की वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस हिसाब से ये कंपनी काम करती है और नज़र आ रही है। यानी कि स्क्रीनर की वेबसाइट पर जो इसके डाटा है उसको अच्छी तरीके से रीड करेंगे और समझेंगे किस हिसाब से ये कंपनी काम करी, क्या है इसका बिजनेस प्लान, और किस तरह से इस कंपनी के अंदर सेल्स ग्रोथ बनती हुई दिखाई देती है। अगर ओवरऑल मैं इसके डाटा को एनालाइज करूँ तो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं अबाउट कंपनी के अंदर ई क्लर्क्स सर्विसेज इनकॉर्पोरेट इन 2000 में, और वहाँ से ये कंपनी काम करती नज़र आ रही है, जो एक तरीके से प्रोवाइड बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट ऑटोमेशन एंड एनालिटिकल सर्विस टू दी नंबर ऑफ फॉर्चून 2000 इंटरप्राइजेस इंक्लूडिंग सम ऑफ दी वर्ल्ड लीडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, इस तरह से काम करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि इस शेयर के अंदर अगर आप कम्युनिकेशन रिलेटेड, फैशन, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रैवल, लेजर एंड टेक्नोलॉजी इस कंपनी, यानी कि पूरी तरीके से आप अगर आप देखेंगे इस समय हर तरह के वाइड मार्केट को ये अपनी सर्विस देती हुई नज़र आ रही है। यानी कि मीडिया से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, मैन्युफैक्चर से रिलेटेड जो भी कंपनीज है, कम्युनिकेशन हो गया, रिटेल हो गया, फैशन हो गया, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं किस हिसाब से कंपनी काम कर रही है और कितने बड़े वाइड सेक्टर के लिए काम करती है नज़र आ रही है। इसके साथ साथ अगर मैं इसके किस तरह से यह कंपनी उसको सर्विस दे रही है, कौन कौन सी कंपनी उसको सर्विस दे रही है उसको भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कस्टमर ऑपरेशंस के अंदर देख सकते हैं, द कंपनी प्रोवाइडिंग एनालिटिक ऑटोमेशन, टेक्निकल ऑपरेशन सपोर्ट एंड डिजिटल केयर सर्विस, इट हेल्प्स इन द क्लाइंट इन इंप्रूविंग सेल्स एंड रिटेलशिप ऑफ द वाइल रिड्यूसिंग सर्विस कॉस्ट, डिजिटलाइजेशन के अंदर काम करती है, फाइनेंशियल मार्केटिंग के हिसाब से ये काफ़ी अच्छी कंपनी दिखाई जो काम करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि द कंपनी ऑफर कंसल्टिंग, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विस, यानी कि आईटी से रिलेटेड जितने भी काम है और कितने बड़े वाइड सेक्टर को यह काम देती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो इसका काम है वो बहुत बड़े तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये देखिए, ये यहाँ पर जो मेन चीज़ है ना, वो ज्योग्राफिकल स्प्लिट को भी अगर आप देखें, यानी कि इनका जो बिजनेस है वो आ कहाँ से रहा है। अगर आप नॉर्थ अमेरिका से देखें तो 75% से लेकर 69% इनको वहाँ से आ रहा है, यूरोप से 17% आ रहा है। तो यानी कि सारा का सारा बाहर का काम है। प्रेजेंस हेड काउंट की अगर बात करें तो कंपनी हैज ऑफिस इन द UK, US, इंडिया, यूरोप, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, थाईलैंड, यानी कि सारा का सारा बाहर से काम आता है। यानी कि डॉलर के अंदर पैसा आ रहा है, और डॉलर के अंदर पैसा कमाने वाली कंपनी के अंदर आप अच्छी तरीके से जानते हैं किस हिसाब से हाई रेट पर सर्विस देती हुई नज़र आ रही है। वही रीज़न है कि इतनी बड़ी बड़ी कंट्रियों के अंदर यह बढ़िया रेवेन्यू निकाल रही है, और वही रीज़न है कि इस समय बढ़िया तरीके से इसकी जो सेल्स है वो इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है। स्ट्रेटेजी की अगर क्लाइंट रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पर आप टॉप 10 क्लाइंट की बात करें 62% जो है, और 60% इन 2022 में, यानी कि FIA 2025 में नज़र आ रहा है। इमर्जिंग के अंदर आप देख सकते हैं, इमर्जिंग अदर्स के अंदर क्लाइंट बेस इंक्लूडिंग
सेवरल फॉर्चून 2000 इंटरप्राइजेस यानी कि फॉर्चून जो कंपनियां हैं उन कंपनियों को यह अपनी सर्विस देती हुई दिखाई दे। न्यू डील विंस इन दी 2025 के अंदर FI 2025 के फर्स्ट क्वार्टर के अंदर इन्होंने 25 मिलियन की डील क्रैक करी, उसके बाद 92 की, और इस हिसाब से देखिए ये बड़ी बड़ी डील्स को क्रैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इसके पास हमेशा काम आता हुआ नजर आ रहा है। इसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो काम है ना वो रेगुलर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो आप ये समझिएगा कि कंपनी जो है वो ग्लोबली काम करती हुई नज़र आ रहा है, और ग्लोबली बेसिस पे अगर आप ये समझेंगे किस हिसाब से कंपनी का जो ध्यान है वो पूरा का पूरा बाहर की तरफ से, यानी जितना भी यूरोप और अमेरिका और यूएसए से जो काम आता हुआ दिखाई दे रहा है वो सारा का सारा आईटी बेस्ड कंपनी ये काम करती हुई नज़र आ रही है। सेल्स की बात करूं और प्रॉफिट लॉस की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे यह कंपनी काफ़ी बढ़िया काम करती हुई नज़र आ रही है। इसका डाटा हमेशा जो सेल्स है वो इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है। देखिए किस तरह से इसका कंटिन्यूसली जो काम है 2015 से अगर इसके डाटा को एनालाइज करें जो 942 पर टिका हुआ था, उसके बाद आप देखेंगे हर साल इसका जो सेल्स है वो एकदम से इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ आप देखेंगे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी एकदम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है एकदम अच्छी तरीके से। अगर आप देख सकते हैं किस हिसाब से इसके जो सेल्स है उसके अंदर भी इंक्रीमेंट आ रहा है और जो प्रॉफिट है उसके अंदर भी इंक्रीमेंट कंटिन्यूसली बना हुआ, यानी कि 450, 662, 723, 676 और 785 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकलता हुआ इस शेयर के अंदर कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर बेस पे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि अदर इनकम की भी बात करें वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर करें तो वो सेम चीज़ होगी क्योंकि टैक्स तो देना ही पड़ेगा, तो वही रीज़न है कि, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो इंक्रीमेंटल बिजनेस है और यही रीज़न है कि नेट प्रॉफिट के अंदर और प्लस जो ओवरऑल एक्सपेंशन के अंदर इसको कंटिन्यूसली प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यही रीज़न है कि अगर मैं इसके इन्वेस्टर की बात करूं तो यहां भी आप देख सकते हैं किस हिसाब से जो DII की इंक्रीमेंटल इसके अंदर जो ग्रोथ है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। DII ने कंटिन्यूसली इस शेयर के अंदर अपने पैसे को डाला है, इसके साथ साथ क्योंकि FII थोड़े बहुत भाग गए हैं लेकिन अब फिर से वापस आते हुए नज़र आएंगे, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट की भी इस सेक्टर के अंदर बढ़िया पकड़ दिखाई दे रही है। यानी कि गवर्नमेंट के शेयर, यानी कि जो गवर्नमेंट की अगर बात करूं तो ज़्यादातर LIC के शेयर इस शेयर कंपनी के अंदर होते हैं, और वही रीज़न है कि इस शेयर की जो कंपनियाँ इस तरह की कंपनियाँ जो ओवरग्रीन बिजनेस करती हुई नज़र आ रही है इनका प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।